बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो किसके बारे में? आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप किसे कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम, एलिमेंट्स सॉरी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के वो एटम विद सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, लेकर डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट क्या हो? मास नंबर हो, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या है? एक एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, और मास नंबर क्या होता है? मुख्तलिफ होता है, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोप। एक एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर क्या होता है? मुख्तलिफ होता है, उनको क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक हो गया। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद भी सेम होती है, एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या होती है? सेम होती है। और आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप्स का जो तो फर्क किसमें होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन की जो तादाद है उनकी क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। याद रखें किसी भी एलिमेंट्स की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज, और एक कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर? वो इलेक्ट्रॉन की तादाद पर डिपेंड करती हैं। और जो फिजिकल, मैंने क्या बताया किसी एलिमेंट की कितनी प्रॉपर्टीज होती है? दो, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉन की तादाद पर। क्योंकि आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? सेम होती है, तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती हैं। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सेम होती है। क्यों सेम होती हैं? क्योंकि आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन की तादाद पर क्या करती है? डिपेंड करती है। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? मास पर। किस पर डिपेंड करती है? मास पर। क्योंकि आइसोटोप की आपने क्या पढ़ा है, उनका जो मास है वो क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। आइसोटोप की मास क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। सो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप की सेम होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट। मेरी बात सुने, क्या बताया आपको? जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर क्या करती है? डिपेंड करती है। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं? मास पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। और आइसोटोप में क्योंकि आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? मास पर। इनकी चूंकि मास क्या होती है? मुख्तलिफ होती है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। अच्छा, अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं आइसोटोप्स की। जो पहली एग्जाम्पल्स किसके बारे में पढ़ते हैं? हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन में डी स्टूडेंट तीन तरह के एटम होते हैं। कितनी तरह के एटम होते हैं? तीन तरह के। तीनों के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या होती है? सेम। इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी क्या है? एक प्रोटॉन। कितने कितने प्रोटॉन है? एक एक। तीनों में प्रोटॉन की तादाद क्या है? एक एक। तीनों में प्रोटॉन की तादाद एक एक है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? एक एक। वजह क्या है? आपने क्या पढ़ा? जितने एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इतने एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, चूंकि आइसोटोप्स के अंदर आपने क्या पढ़ा है? अभी तीन एटम है, तीनों के अंदर प्रोटॉन की तादाद क्या है? सेम है। और तीनों में प्रोटॉन की तादाद सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद भी क्या है? सेम है। फर्क इसमें न्यूट्रॉन में, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? दो। इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। इसका एटॉमिक नंबर भी वन है, जितने प्रोटॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर भी वन है, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या वन है? जितने एटॉमिक नंबर होगा इतने क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। जितने प्रोटॉन है इतना क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तीनों में प्रोटॉन एक एक है, एक एटॉमिक नंबर भी क्या एक है? फर्क इसमें मास नंबर में। इसकी अभी इसकी मास कितनी है? एक और जीरो। मास किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को क्या कहते हैं? मास नंबर। सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन एक है, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या? एक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को क्या कहते हैं? मास नंबर। एक और जीरो क्या हो गया? एक। एक और एक क्या हो गया? दो। एक और दो क्या हो गया? तीन। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। फर्क इसमें मास में, इसकी मास वन है, इसकी मास टू है, इसकी मास क्या है? थ्री है। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास क्या है? मुख्तलिफ है। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है और मास क्या है? मुख्तलिफ है। इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हो गए डी स्टूडेंट? हाइड्रोजन कितने आइसोटोप हो गए? तीन। कितने आइसोटोप हो गए? तीन। इसका नाम क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर एक है, मास नंबर एक है, इसका नाम क्या है? प्रोटियम। जिसका मास दो है, इसका नाम क्या है? ड्यूटियम। और जिसमें जिसकी मास तीन है, इसका नाम क्या है? ट्रिटियम।
इसको जाहिर करते हैं किस से, पी से, इसको जाहिर करते हैं डी से, इसको कहते हैं टी से। यानी हाइड्रोजन के जो एटम है वो एक तरह के नहीं है बल्कि कितने तरह के एटम है हाइड्रोजन में, तीन तरह के। तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, फर्क इसमें मास में, इसकी मास एक है, इसकी मास दो है और इसकी मास क्या है तीन है। इनको क्या कहते हैं, आइसोटोप्स, क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। अच्छा दूसरी बात ये स्टूडेंट ये है कि दुनिया में अगर ये इस कमरे में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 100 एटम है, 100 में से 99% जो है कौन से वाला होता है, ये वाला प्रोटियम, यानी ज्यादा जो हाइड्रोजन है वो कौन सा होता है, प्रोटियम। ये वाला बहुत काम है, 0.015%, ये बहुत काम है। और ये वाला बिल्कुल ट्रेसेस में, ट्रेसेस का मतलब है करोड़ों अरबों में से कहीं इसका एक मॉलिक्यूल आ जाता है, एक एटम आ जाता है। इन सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन आपको मिलते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटियम। इसलिए हम हाइड्रोजन के अक्सर मास क्या लिखते होते हैं, 1 लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप तो तीन है, एक की मास 1 है, एक की 2 है, एक की 3 है। लेकिन जब हम वो लिखते होते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते होते हैं, तो हाइड्रोजन की मास क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 1 किसके, प्रोटीन के, और प्रोटीन का है उसकी परसेंटेज क्या है, बहुत ज्यादा है, ज्यादातर हाइड्रोजन होते ही कौन सा है, प्रोटीन। तो ये किसके आइसोटोप है, हाइड्रोजन के, क्या हो गया आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। तीनों में प्रोटॉन की तादाद भी है क्या, न्यूट्रॉन की तादाद भी है क्या, फर्क इसमें न्यूट्रॉन में, जब न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हो गए डेफिनेटली मास नंबर भी क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। और तीनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में क्या है, सेम है, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। और चूंकि तीनों की मास क्या है, मुख्तलिफ है, इसकी मास 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, तीनों की मास मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, किस क्या आइसोटोप्स होंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद दूसरे जो आइसोटोप्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा एलिमेंट्स है, कार्बन। स्टूडेंट कार्बन के आपके पास कितने आइसोटोप्स हैं, 3। कितने आइसोटोप्स हैं, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तीनों के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तीनों में प्रोटॉन कितने हैं, 6। कितने प्रोटॉन हैं, 6। कितने प्रोटॉन हैं, 6। तीनों में प्रोटॉन की तादाद क्या है, 6। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, फिर 6। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 6। फर्क इसमें न्यूट्रॉन में, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 6। न्यूट्रॉन का होता है न्यूक्लियस में, इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 7। इसमें कितने न्यूट्रॉन है, 8। कार्बन की सिंबल क्या होती है, सी। कार्बन की सिंबल होती क्या है, सी। एटॉमिक नंबर तीनों क्या जाता है, कितने कितने प्रोटॉन है, 6। एटॉमिक नंबर क्या है, 6। मास कितनी है, 6 और 6 कितनी होगी, 12। 6 और 7 कितनी होगी, 13। 6 और 8 क्या होगी, 14। सिर्फ प्रोटॉन देखेंगे, एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों लिखे हो, क्या है, मास नंबर। तो मास इसकी कितनी है, 12 है, इसकी कितनी है, 13 है, और इसकी मास कितनी है, 14। ठीक हो गया। अब क्या करना है, आप देखिए नोट करें, जो कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, इसमें कार्बन के आइसोटोप्स में ये वाला जो है, इसके इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 6। इसमें भी कितने प्रोटॉन है, 6। इसमें भी 6। इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। न्यूट्रॉन इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें क्या है, 8 है। जो फर्क है वो किसकी वजह से, न्यूट्रॉन की वजह से। अगर नेचर में देखा जाए, ये वाला जो आइसोटोप है ये नेचर में पाया जाता है 98% पाया जाता है, पेज नंबर 54 पर। ये नेचर में पाया जाता है 1.109%। और ये नेचर में बहुत काम है, क्या है, 1 part per trillion, 1 part 1 PPT, 1 part per trillion का मतलब क्या है, ट्रिलियन किसे कहते हैं, ट्रिलियन किसे कहते हैं, मिलियन किसे कहते हैं, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, 10 की ताकत 6 को क्या कहते हैं, मिलियन। 10 लाख को क्या कहते हैं, मिलियन। और बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन। 1 अरब को क्या कहते हैं, बिलियन। 1 अरब को क्या कहते हैं, बिलियन। ट्रिलियन किसे कहते हैं, 10 खरब को क्या कहते हैं, ट्रिलियन। तो अगर आपके पास 10 खरब कार्बन है, 10 खरब में से ही एक होगा, यानी बहुत काम है, 10 खरब कार्बन है, 10 खरब, 100 में नहीं, 1000 में नहीं, 1,00,000 करोड़ में नहीं, 10। इसका क्या लिखा हुआ, 1 part per trillion, ट्रिलियन किसे कहते हैं, 10 खरब। यानी 10 खरब अगर कार्बन के मॉलिक्यूल है उसमें ये होगा, यानी बहुत काम है। कौन से वाला, कार्बन 14। तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 3। ज्यादा जो है ये वाला पाया जाता है, तकरीबन 99% ये वाला है, 1% ये वाला है, ये बहुत काम है, ट्रेसेस बहुत काम है, खरबों में कहीं एक आ गया। तो आगे तो आइसोटोप कार्बन कितने, 3। तीनों के अंदर प्रोटॉन 6, तीनों में इलेक्ट्रॉन के 6, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। फर्क इसमें है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, मास पर। इनकी मास क्या है, मुख्तलिफ है, इसकी मास 12 है, इसकी मास 13 है, इसकी मास क्या है, 14 है। इसके बाद डियर स्टूडेंट ये किसके आइसोटॉप्स हो गए, कार्बन के। कार्बन के बाद जो अगले आइसोटॉप्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से एलिमेंट है, क्लोरीन। आपने पढ़ा हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 2, एथोरी 3, कार्बन कितने हैं, 3, क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 2।
क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं? दो। दोनों में प्रोटॉन कितने कितने हैं? 17। 17 प्रोटॉन इसमें, 17 प्रोटॉन इसमें। जब प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। प्रोटॉन भी दोनों में कितने हैं? 17 17। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17। फर्क इसमें, इसमें न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन कितने? 18। इसमें न्यूट्रॉन कितने? 20। इसकी सिंबल क्या है? Cl। इसकी सिंबल भी क्या है? Cl। तो टामो नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन की तरह। तो इसका टामो नंबर क्या है? 17। इसके टामो नंबर भी क्या है? 17। और मास नंबर किसे कहते हैं? दोनों को कहते हैं। 17 18 कितने हो गए? 35। इसकी मास कितनी है? 35। 17 और 20 कितनी होगी? 37। इसकी मास कितनी है? 37। दोनों का टामो नंबर क्या है? सेम है। मास क्या है? मुख्तलिफ है। दोनों में आपने देखा प्रोटॉन भी 17 17 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17। न्यूट्रॉन में फर्क है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 18 है। इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 20। जब न्यूट्रॉन मुख्तलिफ होंगे तो आपने क्या पढ़ा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद क्या कहते हैं? मास नंबर। न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होगी, ऑटोमेटिकली मास भी क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। क्यों? इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन है। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है। क्यों? किस पर डिपेंड करती है? मास पर। इसकी मास 35 है, इसकी मास क्या है? 37 है। मास डिफरेंट है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। किसके? क्लोरीन के। कितने आइसोटोप्स हैं? दो। ये वाला नेचर में पाया जाता है 75%, और ये वाला भी अच्छी मिकदार में कितने है? 25%। इसमें आपने पढ़ा से पहले हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है वो 99% पाया जाता है, कार्बन का भी 99, लेकिन ये 99 नहीं है, कितने है? 75%। यानी कार्बन के क्लोरीन के जो 3% 4 ऐसे कह रहे हैं, 3 आप जो ऐसे हैं क्लोरीन के, ये आइसोटोप्स होंगे, एक ऐसा जो होगा वो इसको ज़्यादा जो क्लोरीन आपको के स्वाम में मिलता है, इस स्वाम में। कि किसके आइसोटोप्स हो गए आपके पास? क्लोरीन के हो गए। किसके हो गए? क्लोरीन के। बुक में देखें क्या लिखा हुआ है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है 6, पेयरिंग नंबर 54, इट इज फर्स्ट मेंबर ऑफ फोर्थ ग्रुप। कार्बन का ये फोर्थ ग्रुप का कौन सा मेंबर है? पहला। वो कौन सा? ये पहला ग्रुप हाइड्रोजन वाला, ब्रोमीन वाला दूसरा है, बोरान वाला तीसरा है। वो सामने क्या लिखा हुआ है? वो कार्बन के साथ ऊपर क्या लिखा हुआ है? कौन सा ग्रुप है? फोर्थ ग्रुप। ये आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रुप कौन सा, ये ऊपर से नीचे जो लाइन है क्या कहते हैं? ग्रुप हाइड्रोजन पहले ग्रुप में, बेरिलियम दूसरे ग्रुप में, बोरान तीसरे में, और कार्बन किस ग्रुप में? चौथे में। ये चौथे ग्रुप का पहला मेंबर है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? 3। कार्बन 12 जिसकी मास 12 है, कार्बन 13 जिसकी मास क्या है? 13 है। कार्बन 14 जिसकी मास क्या है? 14 है। तो 12 वाले को कैसे लिखते हैं? देखो तीनों को कैसे लिखते हैं, 6 6, तीनों की टॉमन नंबर नीचे 6 6, एक की मास 12 है, एक की मास 13 है, एक की क्या है? 14 है। अच्छा इसके बाद देखें आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। देखें क्लोरीन के कितने हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है स्टूडेंट? 17। कितना है? 17। अच्छा इट इज सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप 7। आप देखें बोर्ड में तो देखें जो क्लोरीन है वो किस ग्रुप में आता है? 7 ग्रुप में आता है। वो कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर कौन है? क्लोरीन। दूसरे नंबर पर कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन किस ग्रुप में आता है? क्लोरीन। ये कौन सा ग्रुप है? ये ऊपर ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये कौन सा ग्रुप है? सातवां। सातवें टॉप पर कौन है? क्लोरीन। ये पूरे प्रोटॉन में कितने ग्रुप है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। ये हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे इन प्रोटॉन के बारे में। तो क्लोरीन के सेवन का मेंबर है। देयर आर 2 आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। एक का नाम क्या है? क्लोरीन 35, और दूसरे का नाम क्या है? क्लोरीन क्या हो गया? 37 हो गया। अबंडेंस ऑफ क्लोरीन इज 75%। ये वाला नेचर में 75% पाया जाता है, और ये वाला तकरीबन 25% के होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि क्लोरीन से नीचे 17, ऊपर क्या लिखते हैं? 35। इसको नीचे लिखते हैं क्लोरीन 17, ऊपर क्या लिखते हैं? 37। बहुत आइसोटोप है 17 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। देखें इसमें भी कितने प्रोटॉन है? 17। इसमें भी कितने प्रोटॉन है? 17। दोनों में प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 17 17। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। एंड 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी दोनों में 17 17 प्रोटॉन है, एंड 17 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 17। फर्क इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 18। और इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 20। ठीक हो गया। ये नीचे स्ट्रक्चर है। देखें दोनों में जब आपको मैंने वो आपको बताया पढ़ाई थी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन,
आपको क्या बताया था, पहले शेल में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो, याद है केम में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो। आप इसका स्ट्रक्चर देखे ना कुलीन का, पहला जो न्यूक्लियस के गेट जो पहला दायरा है उसमें कितने ब्लू डॉट है, कितने डॉट है, दो, पहले में ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में कितने और करें आठ है, और तीसरे में जो आगे बच गए किस में जाएंगे, तीसरे में। हर शेल की खास गुंजाइश है, केम में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एन में ज्यादा ज्यादा आठ आते हैं, एम में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अठारह। तो इसके अंदर ये जो है ये लिखा हुआ है जो ग्रीन और रेड है, ये क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस तरह ड्रा करना मुश्किल है, आप जस्ट इस तरह जैसे बुक वाले ने ड्रा किया हुआ है रेड लाइन और वो रेड डॉट डाले हुए ना गोल गोल, रेड और ग्रीन ये डालेंगे जरूरत ही नहीं, आप जस्ट पेन के साथ इस तरह लिखेंगे 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। अगर आप पेपर में इस तरह डॉट डालने लग जाएंगे तो आपका सारा ये डायरे बनाने में लग जाएगा, जस्ट बस क्या लिख लें 17 प्रोटॉन लिखे 18 न्यूट्रॉन लिखे, मैंने क्या लिखे 17 इलेक्ट्रॉन बस बार और आ लिख लिया, बुक वाले ने क्या किया अलग अलग लिखे हुए, उसने लिखा हुआ है पहले शेल में दो, दूसरे में कितने आठ और तीसरे में कितने 17, यानी मैंने जस्ट लमसम क्या लिख लिया 17 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, ऐसे ही है ना। बुक वाले ने तरतीब से देखे, उसने कहा पहले शेल में देखें दो हैं, दूसरे में कितने आठ हैं, तीसरे में कितने 7, ठीक हो गया। न्यूट्रॉन कितने हैं, पहले में कितने न्यूट्रॉन है, इसमें कितने न्यूट्रॉन है 18, इसमें कितने न्यूट्रॉन है 20, ठीक है। ये 75% पाया जाता है, ये 25% के अंदर पाया जाता है, किसके स्टॉक होंगे आपके पास क्लोरीन के। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है आपके पास, कार्बन, यूरेनियम। यूरेनियम क्या चीज है, यूरेनियम, यूरेनियम में रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं जिसमें श्वाएं निकलती हैं, आपको पता होना चाहिए जो यूरेनियम है ये एटम बम में इस्तेमाल होता है, कहां एटम बम में, यूरेनियम, यूरेनियम। यूरेनियम की सिंबल क्या है, यू, इसकी सिंबल क्या है, यू। यूरेनियम में कितने आइसोटोप्स हैं, क्या बताया आपको, तीन आइसोटोप्स हैं, तीनों में क्या है, इसमें भी कितने प्रोटॉन है 92, इसमें भी कितने प्रोटॉन है 92, 92, इसमें भी कितने प्रोटॉन है 92। जब प्रोटॉन 92 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 92, देखें बुक वाले ने यहाँ पर एक ही दायरे में लिखे हुए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं शेल में, उसने जैसे उसने क्या लिख लिया 92 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लिख लिया 92 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लिख लिया 92 इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे इतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस क्या कौन न्यूट्रॉन, इसमें 142 न्यूट्रॉन है, इसमें 143 न्यूट्रॉन है, इसमें 146 क्या है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सेम है फर्क इसमें न्यूट्रॉन में, इसको भी यू से प्रेजेंट करते हैं, इसकी सिंबल भी यू है, इसकी सिंबल भी क्या है यू है, सिंबल के नीचे लेफ्ट साइड पर क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 92, इसका भी क्या है 92, इसका भी क्या है 92, ऊपर क्या लिखते हैं मास नंबर, इसकी मास, इसकी मास कितनी है, दोनों को जमा करें, मास किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा करेंगे क्या आएगा मास नंबर, 92 और 142 कितने होते हैं, 92 और 142 दो दो कितने होंगे 4, 9 4 13, एक ऊपर क्या क्या हो गया 234, इसकी मास कितनी है 234, इसकी मास कितनी है, जाहिर से एक ज्यादा है, इसकी कितनी होगी 235, दोनों को जमा करेंगे इसकी मास कितनी है 238। तो यूरेनियम के आपके पास कितने आइसोटोप्स हैं, तीन, क्या नाम है, यूरेनियम 2, इसका इसको आप क्या कहते हैं, यूरेनियम 234। जरा एटॉम नंबर तो तीनों का सेम है, आप किससे पहचानेंगे, मास नंबर से, इसको पहचान करते हैं यू 234, इसको लिखते हैं यू 35, यू क्या लिखें 238, इसको इससे लिखते हैं, ठीक है। नेचर में ये वाला बहुत कम पाया जाता है, ये कितना पाया जाता है 0.05% पाया जाता है, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा है 0.05% है, ये सबसे ज्यादा है 99.24%, ये सबसे ज्यादा है। तो आपको क्या बताया था यूरेनियम कहाँ इस्तेमाल होता है, ये एटम बम में इस्तेमाल होता है, और आपको पता होना चाहिए एटम बम में यूरेनियम कौन सा इस्तेमाल होता है, ये वाला यूरेनियम 35 235, ये बहुत कम पाया जाता है दुनिया में, इसलिए यूरेनियम की जो कीमत है ये सोने से भी क्या होती है, महंगी होती है, बहुत महंगा ये मिलता काम है। फिर क्या कहते हैं एटम बम बनाते वक्त ये क्या कहते हैं, ये जो 235 है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, 238 को किस में कन्वर्ट करते हैं, 235 में। यूरेनियम ज़्यादा कौन से वाला होता है, 238, लेकिन एटम बम में कौन सा इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है। आपको पता है यूरेनियम में कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम यूरेनियम ले, 1 ग्राम कितना होता है, जितना ये मार्कर का जो ढक्कन है इतना, इससे भी कम, 1 ग्राम यूरेनियम ले, 1 ग्राम यूरेनियम 300,000 किलो कोयले के बराबर एनर्जी देता है, 300,000 किलो, एक कोयला, एक किलो कोयला जलता है तो कितनी एनर्जी देता है, 3 किलो का लेंगे तो कितने जाएंगे, 300 नहीं 3,000 नहीं 300,000 किलो कोयला जले, यानी कई कमरे पूरी बिल्डिंग आपकी ऐसी तो जलाएं, कितनी कितनी हीट होगी, इतना यूरेनियम अकेला हीट देता है, इसलिए इसको एटम बम में इस्तेमाल करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और यूरेनियम सिर्फ एटम बम में इस्तेमाल नहीं होता, इससे बिजली भी पैदा होती है,
आपने देखा ये जो कंट्रीज है चाइना वगैरह, बरतानिया, अमेरिका, इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। चाइना की आबादी दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है चाइना, आबादी बहुत ज़्यादा है, फिर इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा। आप इसे अंदाज़ा लगाएं चाइना पाकिस्तान समेत सारे इंडिया, दुबई, सऊदीया, तमाम मुल्कों की ज़रूरियात चाइना पूरी कर रहा है, खुद भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, खुद उनकी कितनी आबादी है, उसके बावजूद वो पूरी दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं उनकी वो क्या कर रहा है, ज़रूरियात पूरी कर रहा है। दुनिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मुल्क है, तो चाइना में बिजली का कभी मसला नहीं है। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान वगैरह में कितना इशू होता है बिजली का, तो चाइना में बिजली का मसला क्यों नहीं है? वो ये क्या वाटर से यूरेनियम से क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, वहाँ इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, बहुत चीज़ें बनती हैं वहाँ पर, इतनी है कि उनका जो हमारे यहाँ जो कंट्रीज है सिर्फ वो थ्योरी पर जोर दिया जाता है, वो प्रैक्टिकल उनका जो 9-10 का बच्चा होता है वो भी रेडियो मोबाइल ये चीज़ वो गपशप में बना लेता है, घड़ी बना लेता है, वो लोग बड़े टेक्निकल होते हैं, उनका कोर्स इस तरीके से होता है। हमें तो रटवाया जाता है जी ये पढ़े वो पढ़े वो पढ़े वो पढ़े, रटवाया जाता है, वहाँ वो काम करवाया जाता है बच्चों से, तो इस वजह से वो क्या है बहुत ज़्यादा है। तो ये डी स्टूडेंट ये था हमारे पास किसके पास आइसोटोप्स किसके यूरेनियम के। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके यूजेस के बारे में। तो डी स्टूडेंट ये था आपका कोर्स यूजेस ऑफ यूरेनियम है या यूजेस ऑफ आइसोटोप्स है, वो आपके कोर्स से एक्सक्लूड कर दिए हैं COVID-19 की वजह से। जो कोर्स है वो आपका क्या हो गया, शार्ट हो गया पूरे मुल्क में, तो उसकी वजह से हम ये वाला जो टॉपिक है इसको नहीं पढ़ते, इंपॉर्टेंस या यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो इसके बाद हम क्या जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ आए तो पहला जो शार्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एनर्जी लेवल, ये आपको एमसीक्यूज दिया हुआ है। देखिए आपको बताया था शेयर जो पहला होता है क्या होता है के, दूसरा क्या होता है एल, तीसरा क्या होता है एम, चौथा क्या होता है एन। के में ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, एल में ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, एम में ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 32। ये आपको कैसे पता चलेगा, आप फॉर्मूला होता है उसका नाम क्या है 2n2। इसका क्वांटम नंबर क्या होता है, आपने क्या पढ़ा 1, इसका क्वांटम नंबर क्या होता है 2, इसका क्या होता है 3, इसका क्या होता है 4। तो क्वेश्चन आपका क्या है थर्ड एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपको लमसम तो बता दिया 18, 18 कैसे आया, फार्मूला क्या है 2n2, फार्मूले से फाइंड करते हैं 2 रखें, एन की जगह क्या लिखें एन, एन से मुराद क्या है इसका नंबर, के का नंबर 1 होता है, एन का 2 होता है, एम से पूछ रहा है थर्ड शेल कौन सा एम, तो एम का नंबर क्या है 3, किसी का पूछ रहा है तो 3 लिखेंगे, 3 ऊपर इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, 2 इधर ही होगा, 3 का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 कितना होता है 9, अभी 2 9 से मल्टीप्लाई होगा क्या जाएगा 18। तो थर्ड शेल में ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 18। आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की दाद फाइंड कर सकते हैं किससे 2n2 से। पहले शेल का पूछ रहे हैं आप इधर n की जगह क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, दूसरे में पूछ रहा है 2 का स्क्वायर, तीसरे में पूछ रहा है 3 का स्क्वायर, चौथे में पूछ रहा है किसके लिखेंगे 4 का स्क्वायर। दूसरा मास ऑफ एटम इज ड्यू टू, किसी एटम की मास किसकी वजह से होती है, उसके न्यूक्लियस की वजह से होती है, क्योंकि मास आपने पढ़ा किसकी वजह से होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, इस वजह से एटम की सारी मास कहाँ होती है उसके न्यूक्लियस की वजह से होती है। अच्छा रदरफोर्ड वाला आपके कोर्स में से एक्सक्लूड कर दिया गया, ये तीसरा एमसीक्यूज नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट डज नॉट, इलेक्ट्रॉन जब उसने क्या बताया था बोर मॉडल है, जब इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो क्या करता है, पहला ऑप्शन क्या है वो स्पिन नहीं करता गलत है, रिवॉल्व नहीं करता गलत है, रेडिएट एनर्जी हाँ ये बात तो गलत है मतलब ये बात ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में होता है तो बोर मॉडल का पॉइंट यही था ना, जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में होता है वो कोई एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता, तो यही है इलेक्ट्रॉन एक ग्राउंड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो क्या आपसे आपसे इसका आंसर क्या है सी वाला, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो कोई एनर्जी खारिज नहीं करता। रेडिएट का मतलब क्या होता है खारिज होना। विच स्टेटमेंट अबाउट, ये आपको 2 आइसोटोप दिए गए हैं, ये 2 आइसोटोप से कोई कितने आइसोटोप आपको दिए गए एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज 5 में आपको 2 आइसोटोप दिए गए हैं। पहला जो आइसोटोप है वो किसके है, पहला जो आइसोटोप है वो है X6 ऊपर लिखा हुआ 12, दूसरा क्या है X6 ऊपर क्या लिखा है 14, ये 2 आइसोटोप हैं किसके हैं कार्बन के, क्योंकि 6 एटम नंबर किसका होता है कार्बन का। अच्छा पूछा क्या गया है आपसे कि दे आर आइसोटोप, ये ऑप्शन ठीक है, दे आर सेम एलिमेंट, ये भी ठीक है, दोनों क्यों दोनों का एटम नंबर सेम है एक ही एलिमेंट है, दे आर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन की ताकत होती है सेम, दे आर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये बात गलत है। आपने क्या पढ़ा आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन की ताकत क्या होती है मुख्तलिफ होती है, तो ये चौथा ऑप्शन क्या गलत है, क्योंकि क्या क्या आपको क्वेश्चन क्या था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो पहले 3 स्टेटमेंट ठीक है, चौथी स्टेटमेंट क्या गलत है, क्यों गलत है, वो कहती है कि न्यूट्रॉन की ताकत सेम होती है, आइसोटोप में न्यूट्रॉन ही तो मुख्तलिफ होते हैं। 5, 6, 6 क्वेश्चन क्या है न्यूट्रॉन, इसके बाद क्या है 6, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स हैज़ ए मास इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात गलत है, न्यूट्रॉन की मास बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, इट्स मास इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, इसकी मास तकरीबन
प्रोटॉन के बारे में, ये बात ठीक है। तीसरा, चार्ज इक्वल टू अपोजिट दैट ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की कोई चार्ज होती ही नहीं है, ये बात गलत है। देयर पास चार्ज, ये भी गलत है। कौन सी बात ठीक है, ये कौन सी वाली बी? इसके आगे आप लिखे ना क्या के जो न्यूट्रॉन की जो मास है ना, न्यूट्रॉन की मास वो है 1.008 mu, और जो प्रोटॉन है इसकी मास क्या है 1.007 mu। इस वजह से ये वाला ऑप्शन ठीक है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की मास है तकरीबन किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। इसकी मास 1.007 है, न्यूट्रॉन की कितनी है 1.008 है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी। उसके आगे रीजन भी लिखेंगे। ये आइसोटोप ऑफ एलिमेंट है डैश, आइसोटोप में आपने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं सेम नहीं होते, ये गलत है। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात भी गलत है। आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है सेम होती है, और सेम मास नंबर, ये बात भी गलत है। आइसोटोप का मास नंबर क्या होता है मुख्तलिफ होता है। तो कौन सी बात ठीक है, आइसोटोप, आइसोटोप में कौन सी बात ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन वाली बात ठीक है। आइसोटोप में प्रोटॉन की तादाद सेम है, बाकी तीनों बातें जो है वो क्या है गलत लिखी हुई। वी वन इज द लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल। आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे जो हल्की चीज़ है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की मास है 1.008, प्रोटॉन की है 1.007, इलेक्ट्रॉन की मास कितनी है 0.0055 mu, इसकी मास सबसे कम है, सबसे छोटी जो चीज़ है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ एटम एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटर्स एक्सेप्ट, न्यूक्लियस में सारी बातें होती हैं सिवाय किसके, न्यूट्रॉन में सारी बातें होती हैं सिवाय किसके, न्यूक्लियस पास चार्ज, ये बात ठीक है बिल्कुल, न्यूक्लियस पास चार्ज होता है। न्यूक्लियस वेरी डेंस, डेंस भी वजनी होता है, वाकई एटम की सारा डेंस का मतलब क्या होता है वजनी, न्यूक्लियस बड़ा वजनी होता है, वाकई वजनी होता है, क्योंकि इसमें एटम की सारी मास कहाँ होती है उसकी न्यूक्लियस में होती है। कंटेनिंग ऑल ऑफ द एटम मास, ठीक है एटम की सारी मास कहाँ होती है उसके न्यूक्लियस में, ये बात भी ठीक है। कंटेनिंग ऑल ऑफ द एटम वॉल्यूम, ये बात गलत है, एटम का सारा वॉल्यूम इसमें नहीं, देखिए वॉल्यूम का मतलब क्या जगह के अंदर, देखो ये एटम है न्यूक्लियस थोड़ी सी जगह में, ये कह रहे हैं सारा एटम सारी जो जगह वो किसने घेरी हुई है, न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियस से तो बहुत वजन के लिहाज से न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइज के हिसाब से न्यूक्लियस का साइज क्या है बहुत छोटा है। तो ये बात गलत है कि उसने सारी जगह घेरी हुई है, ये बात गलत है। एस ऑफ शेल, आपने क्या पढ़ा था कल, आपको क्या बताया था, केम ए की सब शेल, उसका नाम के एस, एल में दो सब शेल है एस और पी, एम के अंदर तीन सब शेल है एस पी डी, एन के अंदर कितने सब शेल है चार एस पी डी एफ। क्वेश्चन क्या है, एल सब शेल के, एल के अंदर कौन से सब शेल है, तो कौन से एस और पी। याद थे आपके थे एमसीक्यूज। इसके बाद है किसके, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है, अल्मोनियम के बारे में। अल्मोनियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एन 13, ऊपर क्या है 37, 13 है अल्मोनियम का क्या एटॉमिक नंबर है, और 27 इसका क्या है मास नंबर है। ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अल्मोनियम, अल्मोनियम का स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, ये अल्मोनियम है, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 13, सेंटर में क्या लिखेंगे 13 प्रोटॉन, और जैसा प्रोटॉन 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 13, और न्यूट्रॉन कितने, आपने एक्साइज में न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते थे, आपने पहले चैप्टर में फाइंड किया था, ऊपर में मास नंबर में से टॉमर नंबर क्या करें माइनस करें, आपको क्या मिल जाएगा न्यूट्रॉन, पहले चैप्टर के जो एक्सरसाइज उसका लास्ट क्वेश्चन था। तो मास कितनी है 27, टॉमर नंबर कितना 13, माइनस करें कितना जवाब आ गया 14, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 14। ये हो गया अल्मोनियम का क्या आ गया स्ट्रक्चर, आ गया क्या आ गया स्ट्रक्चर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन 13, आप ऐसे करें पहले शेल में आपने क्या पढ़ा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तीसरे में कितने होते हैं 3, ये 1 2। इसके बाद क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, टॉमर नंबर क्या है 13, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 13, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या पढ़ा था 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर किस में जाएगा 2p में कितने जाएंगे 6, फिर हो गया फिर 3s में कितने जाएंगे 2, फिर एक बस क्या किस में जाएगा 3p में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप कर चुके हैं, ये इसका क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन दूसरा क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश शेल सेम आर डिफरेंट, एक्सप्लेन, के और एल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है क्यों, आपने क्या पढ़ा था जितना न्यूक्लियस शेल जो है न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी, के न्यूक्लियस से करीब है उसकी एनर्जी कम होगी, एल न्यूक्लियस दूर है उसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। तो आप क्या कहेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे के एन एल शेल हैव डिफरेंट एनर्जी, हैव डिफरेंट एनर्जी क्यों,
पिकार्ड एंड डू, आपने किसने पढ़ा था पिकार्ड एंड डू, बोर मॉडल, बोर ने क्या बताया था, बोर मॉडल, बोर ने क्या बताया था, एनर्जी ऑफ शेल, किसी भी शेल की जो एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो किसकी होती है, डायरेक्टली, किसी भी शेल की एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, एनर्जी जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली कौन सा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी भी शेल की एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल क्या कहता है, किसी भी शेल की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसके डिस्टेंस के, कौन सा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस से ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो के का आप क्या कहेंगे, के शेल, के शेल इज नियर टू द न्यूक्लियस, जो के शेल होते हैं वो क्या होते हैं, नियर होते हैं किसके, न्यूक्लियस के, के शेल न्यूक्लियस से क्या होता है, करीब होता है, इट हैज लोअर एनर्जी, इट हैज लोअर एनर्जी, जो होता है वो क्या होता है, नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या होता है, करीब होता है किसके मनिस्पत, एस कंपेयर टू, एस कंपेयर टू एल शेल, कैशियल एल के मनिस्पत न्यूक्लियस से क्या होता है, करीब होता है, सो कैशियल, सो कैशियल हैज लेसर एनर्जी, इसकी एनर्जी क्या होती है, लेसर होती है एस कंपेयर टू किसके मनिस्पत, एस कंपेयर टू एल शेल, क्योंकि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर करती है, कैशियल न्यूक्लियस से करीब होता है, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है किससे, एल से, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोटोप, अभी थोड़ी देर पहले हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा किया, तीन हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, तीनों में एक एक प्रोटॉन, तीनों के न्यूक्लियस में एक एक इलेक्ट्रॉन और बीच में क्या करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये स्ट्रक्चर आपके साइज में आप पढ़ चुके हैं।